एक बार गौतम बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपना प्रवचन खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूमकर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे बिहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्री बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के सबसे बड़े सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। धन्यवाद तथागत। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की तरफ आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, कि आज आपका उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनियावी चीज़ों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है।